तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब जो अभी वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिनके फॉर्म सितंबर मंथ में भरे जाएंगे। वैसे तो मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं इन सभी 5 टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब के अंदर, लेकिन आपको और भी बताने वाला हूं कि कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एज लिमिट है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो का एंड आपको देखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली भर्ती है वो राजस्थान की है, आरपीएससी डिपार्टमेंट की, और ये भर्ती है आपके आरओ और ईओ की, ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, जिसके अंदर आपके 3 पोस्ट होने वाली है। एक तो असिस्टेंट इंजीनियर है, एक आपके यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर है, और एक यहाँ पर आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इसकी जो फॉर्म की डेट है वो आप फॉर्म जो है भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और जो फॉर्म की डेट रहेगी 29 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 27 सितंबर तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, ठीक है ना। 29 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, इसके जो फॉर्म है 27 सितंबर तक भरे जाएंगे। जो टोटल पोस्ट है वो 118 पोस्ट है। मैंने साफ यहां पर लिख रखा है कि जो ए की जो पोस्ट है सिविल की 41 है, आरओ की जो पोस्ट है 14 है, और यहां पर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी 63 पोस्ट है। तो यहां पर जो क्वालिफिकेशन होने वाली है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन रहेगी। इसको सिर्फ इंजीनियर वाले को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसमें बीटेक आपका होना होगा सिविल से, जबकि आरओ के लिए ईओ के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। साथ में अगर आपकी एज की बात करें तो यहां पर मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है, ठीक है ना। बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, टोटल पोस्ट 118 है, और बहुत ही शानदार अधिकारी रैंक आरएस लेवल की पोस्ट है। सभी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बहुत ही शानदार पोस्ट है। मैं सिलेबस के ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, इसका सिलेबस आ गया है, एग्जाम पैटर्न भी आ गया है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। अब हम बात करते हैं सेकंड जॉब जो बहुत ही शानदार है, और यह है आपके एफसीआई डिपार्टमेंट की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3rd की पोस्ट निकली हुई है, जिसके अंदर असिस्टेंट ग्रेड 3rd में आपके जनरल की पोस्ट है, इसके अलावा अकाउंट की पोस्ट है, रिपोर्ट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd की 2nd की पोस्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, और टोटल जो पोस्ट है वो है 5043। यहाँ पर अलग अलग जोन के अंदर, नॉर्थ के अंदर अलग हैं, साउथ के अंदर अलग हैं, ईस्ट वेस्ट के अंदर अलग हैं, तो अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट है। बहुत ही शानदार भर्ती है, एफसीआई की सेंटर जॉब की जॉब है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको बैचलर डिग्री, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी संकाय के अंदर तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम है 28। फॉर्म डेट की अगर हम बात करें तो फॉर्म इसके जो है वो स्टार्ट होंगे 6 सितंबर से, और 5 अक्टूबर तक इसके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। 6 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 5 अक्टूबर तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें डीआरडीओ की, अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, जो बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री से, बॉटनी से, जूलॉजी से, मैथमेटिक्स से, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो यहां पर काफी सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आईटीआई करी है, तो आईटीआई की कुछ पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर डिपार्टमेंट है, और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर यहां पर भर्ती जारी हुई है, जिसकी फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 23/8/2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो 23/9/2022 तक, यानी 23 सितंबर तक इसके जो फॉर्म है वो फिल होंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान की एक और बहुत चर्चित यहां पर वैकेंसी है, और वो है यहां पर हाईकोर्ट एलडीसी। हाईकोर्ट एलडीसी की बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, साथ में आरएससीआईटी कोर्स। फॉर्म की डेट अगर हम बात करें तो 22 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 22 अगस्त से, और 22 सितंबर तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है। पोस्ट की अगर हम बात करें, 2756 पद है। ये भर्ती वापस से हो रही है, क्योंकि इसका पेपर आउट हो गया था तो कोर्ट ने इस पर रीट लगा दी, रोक लगा दी थी, वापस से भर्ती कंडक्ट हो रही है। पद इसमें बढ़ा दिए गए हैं, 2756 पद है। फॉर्म की लास्ट डेट 22 सितंबर है, तो सभी को फॉर्म लगाना है। अब हम लास्ट में बात करते हैं एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल जो है सितंबर मंथ की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, 18,000 से 20,000 पदों पर इस बार 2022 के अंदर एसएससी की भर्ती आने वाली है। आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल कॉम्बिहाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी अगर आप फाइनल ईयर में हैं किसी भी संकाय के अंदर, या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। आपकी एज अगर मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 25 या 31 भी है, तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। आरक्षित वर्ग को छूट भी रहेगी, और फॉर्म की फी की अगर हम बात करें 100 रुपीज लगती है। इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 10 तारीख से, 10 सितंबर से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कितनी पोस्ट आने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर कितने पद होंगे, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो बहुत ही शानदार भर्ती होने वाली है, फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे, तो सभी को फॉर्म लगाना है, तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लगभग सभी वैकेंसी की अगर हम बात करें, जैसे एसएससी सीजीएल है, डीआरडीओ की वैकेंसी है, एफसीआई की है, ठीक है ना, 2-3 वैकेंसी जिनका सिलेबस लगभग सेम ही है। वहीं अगर हम राजस्थान की वैकेंसी की बात करें, तो इसमें भी जो राजस्थान जीके है वो सिमिलर है। राजस्थान
जी के ही आपका आने वाला है ई और आर ओ के अंदर, और इसके अलावा हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी आपका राजस्थान जी के आने वाला है। इन पांचों वैकेंसी के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिटेल में सिलेबस को एग्जाम पैटर्न को समझा रखा है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पांच वैकेंसी, सभी को फॉर्म लगाना है, एक वैकेंसी को टारगेट कर लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।